Hey guys, welcome back to another video of Zidanshad of Science. ठीक है, तो आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. पिछले पार्ट अगर किसने मिस किया तो आपको हमारे चैनल में प्रोबेबिलिटी के इसमें मिल जाएगा. आपको पहला लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन है, दिस इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन पार्ट टू प्लस एक्सरसाइज. हम कई कुछ सम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए, उसमें ऑल करके ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. ठीक है, तो पढ़ते हैं राइट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज P of A equal to number of elements of A upon number of elements of S. ठीक है, जो number of elements A का है divide by number of element S, मतलब sample space, उसको इस तरह से हम probability of कौन से भी event का निकालते हैं. ठीक है, सिंपल. और अगर किसी ने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालो तो पहले क्या कर रहे, पहले सैम्पल स्पेस लिखो, फिर सैम्पल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस जो इवेंट जो है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर उसको डिवाइड करो सैम्पल स्पेस से, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मिल जाएगा. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला जो कि है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट माइनस पी ऑफ ए. अगर सेट्स एंड रिलेशन में देखा तो हमने देखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन माइनस ए करके, बराबर सेम इसी तरह है. ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इन बी, मतलब ए वन इन ए टू इज नथिंग बट पी ऑफ ए वन प्लस पी ऑफ ए टू. अगर वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तो इसका फॉर्मूला है ये. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या रहता है, जिसका इंटरसेक्शन ज़ीरो रहता है, मतलब पाई रहता है, एम्प्टी सेट रहता है. इसलिए इधर ये नहीं आया जो कि है इंटरसेक्शन वाला, ये वाला आया नहीं बिकॉज इट इज एम्प्टी सेट, सो इसको नेगलेक्ट किया है. ठीक है, कुछ है जो एक्सरसाइज में काम आएगा, कुछ है नहीं काम करेगा. ठीक है, तो जल्दी से ये वाला टॉपिक लिख लीजिए, फिर डायरेक्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज के सम की तरफ. ठीक है, तो सम्स की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह दिया है कि There are four pens, red, green, blue, and purple in a deck. Drawer of which two pens are selected at random, one after the other with replacement. State the sample space and the following events. The sample space and the following events. जो कि है selecting at least one red pen, and second is two pens of the same color are not selected. ठीक है, तो question में क्या लगा? There are four pens, चार pen हैं, जो कि red, green, blue, and purple. उसमें से ऑफ विच टू पेन्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम वन आफ्टर द अदर. ठीक है, वन आफ्टर द अदर, इसका मतलब दो पेन्स उछालना है, मतलब निकालना है उसमें से. ठीक है, स्टेट द सैम्पल स्पेस एंड द फॉलोइंग इवेंट्स. ठीक है, सिंपल है कि क्वेश्चन कह दिया है
उसको सैंपल स्पेस सीखे। चार पेन है जो कि है रेड, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल, ठीक है। तो दोनों मतलब रिप्लेसमेंट मतलब एक साथ सेलेक्ट करना, ठीक है, वन आफ्टर दी अदर। तो उसको सैंपल स्पेस क्या करेंगे, लेट हम लिखेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस, बी द सैंपल स्पेस एस बी द सैंपल स्पेस, ओके। तो क्या क्या आएंगे उसके अंदर, एस इक्वल टू जोड़ी बनाना, ठीक है। तो जोड़ी में क्या क्या आएगा, पहले आर आर आएगा, नेक्स्ट आ सकता है आर जी, नेक्स्ट आर बी रेड ब्लू, नेक्स्ट आ सकता है जी आर, नेक्स्ट आ सकता है जी जी, नेक्स्ट आ सकता है जी बी, नेक्स्ट आ सकता है जी पी, नेक्स्ट आ सकता है बी आर, नेक्स्ट बी जी, वी पी, बी पी, पी आर एंड और क्या क्या आ सकता है, और आ सकता है पी जी, जोड़ी बनाने के पी पी, पी बी एंड जो लास्ट बचता है पी पी, ठीक है। तो ये सैम्पल स्पेस। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेलेक्ट एटलीस्ट वन रेड पेन, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन पेन रेड पेन, ठीक है। तो उसका लिखने का तरीका है कि लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन रेड पेन, वन रेड पेन, ठीक है। तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, एक या फिर दो, ठीक है। मीनिंग क्या, एटलीस्ट वन या फिर दो रेड पेन भी हो सकता है। तो उसका इवेंट कैसा आएगा, ए इक्वल टू क्या क्या आएगा ए में, आर को आर और आर बी और आ सकता है आर जी, आर पी और क्या सकता है जी आर, डी आर और पी आर, दिस इज नथिंग बट एटलीस्ट वन इवेंट, एटलीस्ट वन रेड पेन। एंड सेकेंड जो पूछा है कि टू पेन्स ऑफ द सेम कलर आर नॉट सेलेक्टेड, टू पेन्स ऑफ द सेम कलर आर नॉट सेलेक्टेड। तो लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट, जो बी बी द इवेंट द इवेंट दैट टू पेन्स ऑफ द सेम कलर नॉट सेलेक्टेड, वो एज इट इज लिखना है इधर, ठीक है। तो उसका इवेंट कैसा आएगा कि क्वेश्चन में खुद बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि दो कलर एक साथ नहीं आ रहा होता, मतलब सेम नहीं रहना होता, सब अलग रहना होता है। तो उसमें क्या क्या आ सकता है, जो सेम नहीं है, ठीक है, जो जो सेम है, जैसे कि देखो ये सेम है और ये सेम है जी जी और बी पी, बी बी और पी पी पी, ये दोनों सेम है, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के जो जो बचा है वो आ जाएगा बी के सेट में, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, आर जी आर बी जी आर जी बी जी पी बी आर बी जी पी 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 आर पी जी पी बी, ये सब इस सेट में आएगा, ठीक है।
तो आपको एज इट इज़ और स्टेट लिखना है। ठीक है, समझ में आया, वेरी सिंपल था। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट हम देखते क्या है। अ कॉइन एंड अ डाई आर टॉस साइमल्टेनियसली। अ कॉइन एंड अ डाई टॉस किया, ठीक है, कॉइन भी है साथ में एक डाई टॉस किया है, उसका सैंपल स्पेस निकालना है प्लस जो इवेंट है उसका भी सैंपल स्पेस निकालना है, ठीक है, मतलब इवेंट निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है कि हमें वो क्या बोला है, कॉइन टॉस किया है, एक कॉइन टॉस किया, साथ ही में एक डाई टॉस किया, ठीक है। तो इसका सैम्पल स्पेस कैसे आएगा, एस इक्वल टू एक कॉइन, मतलब एक कॉइन जो कि देगा एच आ सकता है और डाइस वन, ठीक है। पहले हम हेड्स का लिखेंगे, ठीक है, तो हेड्स का क्या आएगा, एक कॉइन जो कि एच कॉमा टू, एच कॉमा थ्री, एच कॉमा फोर, एच कॉमा फाइव, एच कॉमा सिक्स, ठीक है, एच कॉमा सिक्स, ये हो गया हेड, ठीक है, हेड गिर सकते हैं, साथ ही में डाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आ सकते हैं। इसी तरह टेल्स भी ले सकते हैं हम, टी वन, टी कॉमा टू, टी कॉमा थ्री, टी कॉमा फोर, टी कॉमा फाइव, टी कॉमा सिक्स, ठीक है, ये तो हो गया सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में क्या बोला है कि गेटिंग अ टेल एंड एन ऑड नंबर, गेटिंग अ टेल एंड एन ऑड नंबर, ओके, एक टेल गिर रहा है ऊपर से ऑड नंबर, ठीक है, जिसको हम ए लिखेंगे, टेल गिर रहा है ऊपर से ऑड नंबर है, तो टी वन, टी टू, सॉरी टी थ्री एंड टी फाइव, दिस इज नथिंग बट ऑड नंबर प्लस गेटिंग अ टेल। नेक्स्ट बोल रहा है गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो कि कुछ से डिवाइड होता है, मतलब कुछ से डिविजिबल है उसका, तो डैट इज़ नथिंग बट क्या क्या है इसमें, प्राइम नंबर क्या आएंगे, टू थ्री फाइव आ सकते हैं, तो क्या क्या आएगा जो कि लिख सकते हैं हम, एच कॉमा टू, एच कॉमा थ्री, एच कॉमा फाइव, सिमिलरली टी कॉमा टू, ऐसे बोला नहीं कि हेड या टेल चाहिए, कुछ बोला नहीं, इसलिए दोनों लिखना है, एंड टी कॉमा फाइव, ठीक है। तो
ये दोगे पी। सी में क्या है, गेटिंग अ हेड एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे कि 4 का स्क्वायर क्या है 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसका मतलब क्या क्या नहीं कर सकता है, सी इक्वल टू, तो क्या बोला, हेड मांगते हैं, हेड और परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब एच वन एंड एच कॉमा 4 ध्यान रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर प्लस हेड भी आया है इसमें, इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज ज़रा कम समझ के अगले लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे प्लस नवीन टॉपिक भी कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के टाइम, टिल दैट सी यू लेटर।